ज़ुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो की 91वीं बरसी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ फोरम पर जो है वो सालगिरह मनाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 91वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं कराची डिवीज़न के साबिक सदर सैयद नजमी आलम साहब, इनसे जानते हैं इस तकरीब के हवाले से। यकीनन खुशाइन बात है और ये इस बात की निशानी है कि कराची के आवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया कि पहले वालों ने फिर तब्दीली के नाम पर जो आए उन्होंने जो 6-7 महीने में हाल किया और जिस तरह बंस रोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस भेढंगे तरीके से इस्तेमाल किया गया, लोगों को बेरोज़गार किया गया, लोगों के घर तोड़े गए, उसके बाद लोगों को एहसास हुआ है कि ये पीपल्स पार्टी ही है जो कि हमारे काम आ सकती है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो आवेदन किया गया है उसमें लोगों का वो शदीद जो है मुज़ाहमत करते रहे और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? मैंने आपने बिल्कुल बिल्कुल लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। KMC ने तो किसी की तरफ या तो शायद बदला ले रही थी, KMC इन लोगों से कोई नहीं देखा कि क्या सही है क्या नहीं, कोई चीज़ मेजर नहीं की, लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों के कारोबार। देखिए इंक्रोचमेंट बिल्कुल हटनी चाहिए। नहीं क्या किया आपने, सदर की एम्प्रेस मार्केट गिरा दी, क्या ठेले ख़त्म कर दिए KMC ने? आज भी पूरी रोड ठेलों से भरी हुई है, तो इसके माने ऑपरेशन फ्लॉप गया बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी के KMC ने किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कराची शहर में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, लोगों के बहुत नाजायज़ तकलीफ दी गई है। अगर गिराना है वसीम अख्तर साहब को मैं चैलेंज देता हूं कि जाएं, सिर्फ एक ग्राउंड बता रहा हूं, नॉर्थ नाजाबाद में मस्जिद अशरफ ग्राउंड, जिसमें मैंने भी अपनी जवानी में क्रिकेट खेली है, उसमें जो घर बने हैं वो गिरा के दिखा दें। मेयर साहब तो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है मदद कोऑपरेट नहीं कर रही, हमें फंड नहीं दिया जा रहा है। यार मेयर साहब अगर काम करना चाहें ना तो उसके लिए विल चाहिए होती है, पैसे तो बाद की बात है, पहले विल तो दिखाएं, विल ही नहीं है मेयर साहब की, वो आपस के झगड़ों से फुर्सत नहीं है उनको, तो वो आवाम का क्या काम करेंगे मेयर साहब? जी आज यहाँ पर जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 91वीं सालगिरह मनाई गई, आप यहाँ तकरीब में आए, आप क्या इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तकरीब के हवाले से ही हम आए थे यहाँ पे, आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था 91, उसी की तकरीब में हम सब शामिल होने आए हैं और हम सब पीपल्स पार्टी में ही शामिल हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं और बंस रोड के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो इतनी तोड़ा फोड़ी हो रही थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी हम लोगों की मदद करी सब, इसलिए अब तो बस पीपल्स पार्टी ही पीपल्स पार्टी।